हेलो एवरीवन, वेल कम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। 67th बीपीएससी प्रीलिम सीरीज के अंतर्गत आज का यह वीडियो लेक्चर 2 है। इससे पहले लेक्चर 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट 67th बीपीएससी प्रीलिम्स करके तैयार कर दिया गया है। जिस किसी ने भी उस लेक्चर को नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे एक बार जाके जरूर देखें, सो दैट आप पूरे के पूरे सिंक में रहें। अगर आप सिंक में नहीं रहेंगे, इधर उधर से पढ़ेंगे, तो फिर आपको पूरा डिटेल मालूम नहीं चल पाएगा। उसमें मैंने एक बैकग्राउंड तैयार किया था, जो जो शासक थे हमने उसमें कवर किया था, मुर्शीद कुली खां के बारे में, शुजाउद्दीन के बारे में, सरफराज खां के बारे में, अलवर्दी खां के बारे में, सिराजुद्दौला के बारे में, मीर जाफर के बारे में, उसके अलावे मीर कासिम के बारे में, अगेन मीर कासिम को हटाकर जब मीर जाफर को बना दिया जाता है तो उसके बारे में, तो इन सभी के बारे में मैंने उसमें डिटेल से कवरेज दिया था। सो जो कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो आप, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। दैट इज़ द वीडियो ऑफ ओनली 27 मिनट, मात्र 27 मिनट का वीडियो है, आप उसे एक बार समय निकाल के ज़रूर देखें। चलिए, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि आपकी एग्ज़ाम की तिथि आयोग के द्वारा जो निर्धारित की गई है, वर्तमान में अभी 12 दिसंबर ही हैं। इसी के अनुसार जो भी नोटिफिकेशन निकलता है आयोग के द्वारा, आपको मैं सूचित करूँगा और अपनी तैयारी को 12 दिसंबर के अनुसार ही आप जारी रखें। कुछ सब्सक्राइबर हमें मैसेज किए थे कि सर मेंस की तैयारी भी आप साथ साथ करवाते रहें, तो मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि आप टेंशन ना लें, आपको चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपको मेंस की तैयारी भी हम साथ साथ कराते रहेंगे। इवन जब आपको हम प्रीलिम्स की तैयारी करवा रहे होंगे, तो हमारी यह कोशिश रहेगी कि आपको मेंस प्रस्पेक्टिव से उसको ऐसा समझाया जाए ताकि आप अगर टॉपिक ना भी कवर किया जाए तो आप उसमें कुछ ना कुछ लिख सकें। कुछ ना कुछ क्या, आप पूरा डेप्थ एनालिसिस आपको हम करवाएंगे, सो दैट आप वहां जाके लिखेंगे ही। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे वीडियो में। अब देखिए लेक्चर 2 के अंतर्गत हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले उसको एक बार देख लेते हैं। जो टॉपिक आज का होगा वो हमारा होगा कालकोठरी की घटना अर्थात ब्लैक होल, प्लासी का युद्ध अर्थात 1757, जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में उसको कवर करेंगे। उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764, इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 एंड इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765। उसके बाद हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आपको मालूम है पूरा सिलेबस, हम फिर से इसको रिपीट नहीं करेंगे। जिन किसी को मालूम नहीं है तो वीडियो 1 में देख लीजिए, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज है। तो चलिए आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये कालकोठरी की घटना है, प्लासी का युद्ध है, प्लासी में नवाब की हार और ये सारी चीज़ों को, बैटल ऑफ बक्सर्स, उसके बाद इलाहाबाद की संधि, इन सारे को हम इसमें कवर करने वाले हैं। फिर लास्ट में हम करंट अफेयर्स करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, बना रहना पड़ेगा वीडियो के अंत तक, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। आज का इस वीडियो का लाइक मैं 100 टारगेट रखता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 100 लाइक को पहुँचाइए। एटलीस्ट जब 100 लाइक को आप पहुँचाएंगे तो हमारा भी एक हौसला बुलंद रहेगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कालकोठरी की घटना। तो एक बार थोड़ा सा, जैसा कि आपको मालूम ही है, आपको याद होगा कि हमने क्लासेस की शुरुआत मुर्शीद कुली खां से किया था, अर्थात बंगाल पर अंग्रेजों का जो आधिपत्य था और नवाब, बंगाल के नवाब। तो थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, पिक्चर को थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं 2 मिनट के लिए। आपको मालूम है कि भारत में अगर हम सेंटर ऑफ पावर की बात करें तो दिल्ली में था। दिल्ली और आगरा, ये दोनों ऐसा जगह था जहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, सेंटर ऑफ पावर था। तो अब एक सवाल दिमाग में आपको आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिर सेंटर ऑफ पावर बंगाल की तरफ झुकने लगा। परिस्थिति देखिए कि किस तरह से दिल्ली से पावर बंगाल की तरफ मुड़ती है। जहां मुगल सम्राट दिल्ली में बैठा होता है, फिर भी बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? एक बात तो आपको दिमाग में क्वेश्चन उठा ही होगा। अब होता क्या है कि चूंकि औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 में, जस्ट थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में आपको ले चल रहा हूँ, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, उसके बाद आप देखेंगे कि कोई ऐसा शासक, मुगल का कोई ऐसा शासक नहीं बचता है जो इतना पावरफुल होता है कि पूरे सूबे को इकट्ठा करके रखे। तो जो मुगल दरबार में जो सूबेदार होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी अलग अलग सूबा को बनाना शुरू कर देते हैं,
अलग अलग प्रांत को बनाना शुरू कर देते हैं। और इसी क्रम में आप देखेंगे कि अंग्रेज भी यह चाहता है कि किसी न किसी तरह से मुगल के जो शक्तिशाली पावरफुल एम्पायर है उसको तोड़ा जाए, और उसमें वो सफल भी होता है और बंगाल में नायब सूबेदार की नियुक्ति करवा देता है। तो ये सारा काल क्रम को हमने देखा था कि किस तरीके से बंगाल में मीर कासिम मुर्शीद कुली खां जब नियुक्त होता है और उसके बाद सारे के सारे फॉलोअप हमने देखा था। ओके, अब आती है बात कालकोठरी की घटना। तो अब हम कालकोठरी की घटना की अगर हम बात करें, ब्लैक होल की बात करें, तो क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा प्रीलिम्स में आ जाता है। चाहे आप एसएससी का भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, जितने भी टॉपिक इसमें लिए गए हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा अपना ध्यान इस हमारी तरफ आकर्षित कर रखिए और थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए यहाँ पर। तो जब ब्लैक होल की इंसिडेंट होती है तो सवाल उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि ब्लैक होल की घटना हो जाती है। तो ब्लैक होल की घटना का तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि को मैं बताता हूं कि जब 1756 और 1756 से लेकर 1763 के बीच एक सप्तवर्षीय युद्ध की आशंका होता है और युद्ध कहीं और लड़ा जाता है और उसकी जो कंसिक्वेंसेज होता है वो भारत में आपको दिखाई पड़ता है। जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तब इस सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में चर्चा आपको मिलेगा, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सप्तवर्षीय युद्ध की आशंका में अंग्रेजों ने बंगाल में अपने फैक्ट्रियों को सुदृढ़ीकरण करना शुरू कर देता है, अर्थात फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर देता है। जैसे आपको एक फैक्ट्री है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको एक फैक्ट्री है। अब आपको क्या होता है कि नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा ये सख्त मनाही होता है कि कोई भी अपने किलों को किलाबंदी नहीं करेगा, अर्थात कोई भी अपने फैक्ट्रियों को किलाबंदी नहीं करेगा। आप यहाँ से क्या करते हैं, इसको किलाबंदी करना शुरू कर देते हैं, पूरा घेराव करना शुरू कर देते हैं, ऊंचे ऊंचे बुलंदी दरवाजे बनवाना शुरू कर देते हैं। तो ये काम जो होता है, अंग्रेजों ने फोर्टिफिकेशन करवाना शुरू कर दिया, उनको डर लगता है कि अब हमारे पर अटैक होगा। सो अंग्रेजों ने बंगाल में अपने फैक्ट्रियों को सुदृढ़ीकरण करवाना शुरू कर देता है, जिसका बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने विरोध किया था, ये पहले भी हमने देखा था। इसके अलावा अंग्रेजों के अन्य शिकायतें भी नवाबों को प्राप्त हो रही होती है, जैसे कि ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों के द्वारा जनता का उत्पीड़न। तो सिर्फ यही कारण नहीं था, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा अपने फैक्ट्रियों का, कोलकाता में जो फैक्ट्रिया था उसका सुदृढ़ीकरण ही एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि नवाब सिराजुद्दौला को, नवाब रहता सिराजुद्दौला उस समय जब ये ब्लैक होल की इंसिडेंट होती है तो नवाब कौन होता बंगाल में, सिराजुद्दौला, तो उसको अन्य शिकायतें भी मिल रही होती है। अन्य शिकायतों की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों के द्वारा जनता का उत्पीड़न इत्यादि। कुछ व्यवसायी जिसके व्यवहार के कारण सिराजुद्दौला अपनी हिरासत में लेना चाहता था, लेकिन उन्हें अंग्रेज शरण दे रहे थे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे व्यवसायी थे जिनका व्यवहार काफ़ी निंदनीय था और उसको सिराजुद्दौला अपने हिरासत में रखना चाहता था, लेकिन अंग्रेज का दुस्साहस देखिए कि अंग्रेज क्या करता है, उसको अपने पास संरक्षण देता है। और ये सारे व्यवहार सिराजुद्दौला दूर से बैठ के देखते रहता है। लेकिन सवाल उठता है कि भैया दूर से बैठ कर, अब सिराजुद्दौला तो नवाब है, दूर से बैठकर आखिर कब तक देखेगा? दूर से बैठकर कोई ज़्यादा देर तक तो नहीं देख सकता है। और वही इम्पेशेंट हो जाता है सिराजुद्दौला और बोलता है कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, और अपने सैनिकों को लेकर अंग्रेजों के फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए कोलकाता पहुंच जाता है, अर्थात उस पर एक तरीके से कहिए तो आक्रमण कर देता है। और आप देखेंगे कि कोलकाता और कासिम बाजार में जो अपने अधिकृत क्षेत्र को पहले तो खाली करवाने का आदेश देता है, उसको बोलता है अंग्रेज को, साफ वर्डिंग में पहले खाली करने का आदेश जारी हो जाता है, बोला अंग्रेज को कि भाई जो कोलकाता में तुम्हारा और कासिम बाजार में जो तुम्हारा मार्केट है उसको खाली कर दो, अब बहुत हो गया तुम्हारा, देख लिए तमाशा बहुत कर रहे हो, अब खाली कर दो। लेकिन ये अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज सुनेंगे नहीं। अंग्रेज क्या करते हैं कि इनकी बातों का, अर्थात सिराजुद्दौला की बातों का दरकिनार कर देता है। और यही बात होता है, इनकी बातों का दरकिनार करना, और सिराजुद्दौला अपने सैनिक को लेकर पहुंच पड़ता है पोर्ट विलियम्स में।
तत्पश्चात सिराजुद्दौला ने अपनी सेना की सहायता से किलो को पूरा घेराबंदी कर देता है और पूरा जो फैक्ट्री था उसको पोर्ट विलियम्स वगैरह को सारे को घेराबंदी कर लेता है सिराजुद्दौला जाकर के। अब जब सिराजुद्दौला घेराबंदी कर लेता है तो वहां से लोग अंग्रेज लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। चूंकि बंगाल एक तटीय क्षेत्र था तो वो नदी के सहारे अपना भागना शुरू कर देते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी लोग भाग जाएंगे? ऐसा तो संभव नहीं है। तो कुछ कैदी सिराजुद्दौला को, मतलब सिराजुद्दौला के सिपाहियों के चंगुल में फंस जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये कुछ सिपाही का जो नंबर है वो 146 है, राइट? तो एग्ज़ाम में हो सकता है ये भी पूछ ले कि जो नंबर थे सिराजुद्दौला के द्वारा ब्लैक होल इंसिडेंट में वो कितना था, तो 146 था। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक मेंस का इनपुट डालूंगा कि क्या होना चाहिए मेंस का इनपुट। तो देखिए, पहले प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा माना जाता है कि सिराजुद्दौला ने लगभग 146 अंग्रेज बंदियों को, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया था। यहाँ नहीं को काट दीजिएगा, नहीं कर लीजिएगा। और यह घटना जो घटती है वो कब घटती है? 20 जून 1756 को घटती है। ये डेट आप याद कर लीजिए, आंख बंद करके मगब कर जाइए इसको। 20 जून 1756 ब्लैक होल इंसिडेंट और काल कोठरी की घटना के नाम से याद कर लीजिए इसको। और क्या होता है कि जब 146 लोगों को एक छोटा सा रूम में बंद कर देता, भाई साहब सब भाग जाता है तो जो बचते हैं उसको एक छोटा सा रूम में बंद कर देते हैं। छोटा सा रूम में बंद करेगा तो 146 लोग, जहाँ मान लेते हैं कि 50 लोग की कैपेसिटी है, वहाँ 146 लोग, तो लोग क्या हो रहे हैं, सफोकेशन से मरना शुरू हो जाते हैं। और दो तीन दिन बाद जब 23 जून को कमरा खोला जाता है तो मात्र उसमें से 23 जून को जब कमरा खोला जाता है तो मात्र उसमें कितना जिंदा बचते हैं, 23 लोग ही जीवित रहते हैं। और हेयर यू कैन सी द पिक्चर, एक पिक्चर है ब्लैक होल इंसिडेंट का, आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से लोग तड़प रहे हैं। और एक रोशनदान है यहाँ पर और इस रोशनदान के पास ऑक्सीजन लेने के लिए पीपल आर ट्राइंग टू अप्रोच टू द विंडो, राइट? तो ये इमेज को आप दिमाग में रखिएगा और एक डेट याद रखिएगा, 20 जून 1757 जब ब्लैक होल की घटना घटती है सिराजुद्दौला के समय। आई होप इतनी दूर तक आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक लॉजिक, एक वाक्य ये भी है कि सिराजुद्दौला को कहा जाता है कि सिराजुद्दौला को ये सब मालूम ही नहीं था कि ये सब लोगों को बंद कर दिया गया है। हकीकत में देखा जाए तो कई हिस्टोरियन का पर्सपेक्टिव ये भी है कि सिराजुद्दौला वॉज नॉट अवेयर कि इतने लोगों को बंद कर दिया गया था, ठीक है? अन्यथा सिराजुद्दौला तो एक बहुत ही न्यायप्रिय आदमी था, तो उसको अगर ये पता चलता कि इतने लोगों को बंद कर दिया गया है तो शायद ये घटना नहीं घटता, क्योंकि उनके सैनिकों ने इसको बंद कर दिया था और ये घटना घट गया था, ऐसा एक पर्सपेक्टिव माना जाता है। तो एक चीज मैं बता दूं, एक नाम आपको और याद रखना है, हॉलविल, हॉलविल का नाम याद रखना है। ये हॉलविल कौन था अब आपके दिमाग में आ रहा होगा। हॉलविल और कोई दूसरा नहीं था, एक उसी बंदी में से एक जीवित जो बच गया था वही था। ये हॉलविल जीवित रहने वालों में से ही एक था और जिसने इस घटना का रचयिता माना जाता है, और यही वो व्यक्ति है ये जो पूरे सीन को वर्णन करता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया ब्लैक होल इंसिडेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्लैक होल इंसिडेंट। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, हम इस टॉपिक को दोबारा करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक, सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे आज की वीडियो में, या आपके पूरी बुनियाद जो इतिहास है ना, मॉडर्न हिस्ट्री की जब आप पढ़ेंगे तो समझिए पिलर है ये। चलिए अब आते हैं, हम बात करते हैं प्लासी। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक यह प्लासी का युद्ध। सो अंग्रेजों को व्यापारी से शासक बनाने वाला युद्ध भी प्लासी के युद्ध को कहा जाता है, राइट? अब ये ऐसा क्यों कहा जाता है, इस वाले स्लाइड को हम लास्ट में देखेंगे। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि अंग्रेजों को व्यापारी से शासक बनाने वाला युद्ध प्लासी को, क्योंकि आप देखेंगे कि 1757 तक, अर्थात प्लासी के युद्ध तक,
जो अंग्रेज थे वह एक व्यापारी की तरह ही बिहेव कर रहे थे, बर्ताव कर रहे थे। लेकिन यह युद्ध का जीत अर्थात युद्ध का परिणाम अंग्रेज को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों प्लासी का युद्ध होता है। तो कंपनी क्या होता है कि कंपनी किसी भी कीमत पर अपने व्यापारिक हितों को विस्तार एवं रक्षा करना चाहता था, और कंपनी 1717 में प्राप्त जो दस्तक प्राप्त हुआ था उसको मुगलों से, उसका प्रयोग अवैध तौर पर करके व्यापार कर रहा था, जिससे बंगाल के हितों का नुकसान हो रहा था। और यही सब कारण था। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि अन्य कारण भी नवाब सिराजुद्दौला के पास था प्लासी की युद्ध के लिए। और यही युद्ध धीरे धीरे बढ़ता जाता है और नवाब सिराजुद्दौला 23 जून 1757 और रॉबर्ट क्लाइव आपस में एक दूसरे से प्लासी नामक स्थान पर मिलते हैं। प्लासी नामक स्थान बंगाल में है और यह पलाश नामक एक फूल होता है बंगाल में, उसी के नाम पर पड़ता है जिससे कलर तैयार किया जाता था, उसी के नाम पर यह जगह का नाम प्लासी पड़ा और इसीलिए इस युद्ध को प्लासी का युद्ध कहा जाता है, जो कि 23 जून 1757 को होता है। तो यह डेट आपको याद होना चाहिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है। लेकिन एक्चुअली यह युद्ध एक्चुअल में अगर हम बात करें, अगर यूं कहें कि सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध हार चुका था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे कि युद्ध शुरू होने से पहले ही यह युद्ध हार चुका था सिराजुद्दौला। तो इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे सिराजुद्दौला युद्ध शुरू होने से पहले ही युद्ध हार चुका था। अब होता यूं है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है काफी सातिर आदमी था, तो सिराजुद्दौला के तरफ से जो जगत सेठ मीर जाफर, तीन नाम लूंगा और उस तीनों का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इनका पूछा जाता है इनका नाम, ठीक है, ये तो ऊपर वाला डेट आप याद रखिएगा ही, ये जो तीन नाम ले रहा हूं उनका तीनों का नाम, ये सब धोखेबाज है, इनका नाम याद रखिएगा। तो जगत सेठ मीर जाफर और मीरन, ये सब ऐसे व्यक्ति होते हैं कि सब जाकर के रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाते हैं, राइट। तो मीर जाफर, जगत सेठ और मीरन, ये सब क्लाइव से षड्यंत्र कर लेता है, अर्थात तीन सेनानायक उसके जो दरबारी थे, जगत सेठ मीर जाफर और मीरन, मीर जाफर का पुत्र मीरन। अब होता क्या है कि मीर रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम हमारा साथ दो और जैसे ही सिराजुद्दौला मरेगा, इस युद्ध को हम जीतेंगे, तुमको हम बंगाल का नवाब बन जाएंगे, अर्थात बंगाल का नवाब बना देंगे। तो ये सारा पूरा एकदम षड्यंत्र जो है रचा जाता है। और आप देखेंगे कि जब युद्ध होता है तो मीर जाफर पीछे से एकदम, है ना, सिराजुद्दौला बेचारा आगे चला जाता है युद्ध में, और मीर जाफर पीछे से घोड़ा पर बैठ के पूरा युद्ध को देखते रहता है। और ये अपने बेटा को तो पहले ही मना कर देता है कि तू जाइबे मत करो वहां पर, ठीक है। तो ये सारा का सारा पूरा एकदम घटना घटता है और यह देख के तो और सिराजुद्दौला का हृदय द्रवित हो उठता है और वह पूरा अंदर तक चला जाता है। और बाद में जो मीर जाफर का पुत्र मीरन होता है वह सिराजुद्दौला का हत्या कर देता है। और वहीं पर हालांकि सिराजुद्दौला के तरफ से फ्रांसीसी सेना भी कुछ रहते हैं जो लड़ रहे होते हैं, लेकिन वह काफी नहीं होते हैं। और इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव की विजय होती है और बाद में देखेंगे कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो यह पूरा घटना था प्लासी का युद्ध का। और यह युद्ध भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह युद्ध ही था जो भारत की दास्ता की कहानी शुरू कर देता है। आई होप मेरी बातें समझ में आई होगी। चलिए, तो अब सवाल उठता है कि एक सवाल बार बार उठता है कि प्लासी के युद्ध के बाद
क्या इफेक्ट होता है? आखिर क्या था ऐसा प्लासी के युद्ध में जिसने अंग्रेजों को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया? तो आइए देखते हैं, यहाँ पर इस स्लाइड में आपको पूरा कहानी मिल जाएगा साथ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहले तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी की लड़ाई जो है 23 जून 1757 को हुआ, ये तो आपने देख लिया। प्लासी में नवाब की हार और अंग्रेजों की धमक बढ़ी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये निर्णायक जीत कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के अगुवाई में मिलता है। ये हैं कर्नल रॉबर्ट क्लाइव जी, ठीक है? और यहाँ पर देखिए ये एकदम पूरे किस तरह से फाइटिंग चल रहा है। बंगाल के नादिया जिले में ये जंग, नादिया डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में ये जंग गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक जगह पर हुआ था, ये भी हमने कवर कर दिया था। दो दुश्मन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो 40,000 सैनिकों और 50 फ्रांसीसी तोपों के साथ लड़ रहा था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके पास 1,000 सैनिक और 2,000 भारतीय सैनिक थे। आप समझ सकते हैं कहाँ 40,000 और 50 फ्रांसीसी तोप और मात्र 3,000 सेना में जीत हो गया। मैं क्या कह रहा था कि रॉबर्ट क्लाइव युद्ध शुरू होने से पहले ही प्लासी का युद्ध जीत चुका था। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहां देखिए ना डाटा देखिए, समझ में आएगा आपको कि कहां 40,000 सैनिक और 50 फ्रांसीसी और कहां 1,000 सैनिक और 2,000 भारतीय सैनिक, टोटल 3,000 सैनिक 40,000 सैनिक को मार देता है। चलिए अब अगला युद्ध देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध होने वाला है अब। तो युद्ध के बाद युद्ध, युद्ध के बाद युद्ध, मतलब ये जो दौर था ना, मतलब युद्ध से भरा दौर था, रोमांचित युद्ध दौर कह सकते हैं उसमें, एकदम T20 टाइप चल रहा था। एक युद्ध खत्म नहीं हुआ, दूसरा युद्ध में शुरू, और जब युद्ध खत्म होगा तो संधि होगा। दो ही चीज तो हुआ है पूरे ब्रिटिश काल में, युद्ध संधि, युद्ध संधि। पूरा आप देखेंगे पूरा इतिहास ही ऐसे ही भरा हुआ है, युद्ध होता है फिर संधि होता है, युद्ध होता है फिर संधि होता है, इसी पर पूरा इतिहास टिका हुआ है। और ये दो चीज आप जान गए तो पूरा इतिहास जान गए। तो चलिए, सो बीपीएससी अड्डा प्रेजेंटिंग बैटल ऑफ बक्सर। तो आज आपको हम बैटल ऑफ बक्सर की पूरी घटना सुनाते हैं। बक्सर कहाँ है आपको मालूम भी है ना? हाँ हाँ, कुछ लोग बोल रहे सर हम तो बक्सर से ही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो बैटल ऑफ बक्सर 23 अक्टूबर 1764, ये डेट तो पहले याद कर लीजिए। हेयर यू कैन सी द पिक्चर्स, किस तरीके से अंग्रेज जो है दमनकारी की नीति अपना रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। पिक्चर बहुत कुछ बयान कर देता है, ठीक है। सो एक डेट याद रखिए, 23 अक्टूबर 1764, कौन? बक्सर का युद्ध। चलिए, बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा गया था, ठीक है। इससे पहले एक चीज थोड़ा सा मैं बक्सर के युद्ध का कारणों पर चर्चा कर देता हूँ, इसको आगे मैं कवर करूँ, इससे पहले थोड़ा सा कारण का, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं कवर कर देता हूँ कि बक्सर का युद्ध का कारण क्या था। देखिए, अंग्रेजों का लुटेरों जैसा व्यवहार, अब अंग्रेजों का लुटेरों जैसा व्यवहार कहने का मतलब यह है कि जिसने न केवल व्यापार को नियमों का उल्लंघन करता है बल्कि नवाब की सत्ता को चुनौती भी देता है। अब चूंकि इतना हौसला उसको प्लासी के युद्ध के बाद मिल जाता है कि अब वो सोचने लगता है कि अब हम तो भाई जब नवाब को हरा सकते हैं तो अब हम किसी को हरा सकते हैं हिंदुस्तान में, पूरा बूस्टअप हो जाता ना अंदर से, कॉन्फिडेंस मिल जाता है उसको, और कहता है कि अंग्रेज जो है अब एकदम पूरा एकदम खुल्लम खुल्ला लुटेरा बन जाता है, और पूरा एकदम पूरा नियम कानून को ताक पर रखते हुए पूरा एकदम चुनौती दे देता है नवाब को, ठीक है, मुगल सत्ता को पूरा एकदम चुनौती देता है। अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम को अपमान किया जाता है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि फिर सिराजुद्दौला के बाद आप देखेंगे कि सिराजुद्दौला एकदम लास्ट स्वतंत्र शासक था। अगर हम बंगाल के स्वतंत्र शासकों की अगर हम बात करेंगे तो सिराजुद्दौला वाज द लास्ट फ्री रूलर। उसके बाद तो पूरा कठपुतली बन जाता ना, मीर जाफर को बनाता है, मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बनाता है, और मीर कासिम को हटाकर फिर मीर जाफर को बना देगा। पढ़े थे ना आपने लास्ट वीडियो में, तो आप लास्ट वीडियो में अगर आप नहीं देखें तो एक बार जाकर देख लीजिएगा कि इस तरह से सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को अंग्रेज उसको नवाब बना देता है, और मीर जाफर के बाद फिर जब उसे अप्रसन्न हो जाता है मीर जाफर से तो फिर मीर कासिम को बनाता है, और मीर कासिम के बाद फिर
से मीर जाफर को बुला लेता है। तो अंग्रेज का लुटेरा जैसा व्यवहार, अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम को अपमान किया जाना, कंपनी के कर्मचारियों का दुर्व्यवहार, ये सारे के सारे जो है बक्सर का युद्ध के अर्थात बक्सर बैटल ऑफ बक्सर होने के लिए काफ़ी था। और यह युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को होता है और बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजी सैनिकों के बीच में लड़ा जाता है। अर्थात एक तरफ तो मीर कासिम था, नवाब शुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था। अब तीनों के मैं बता दूं तीनों कहां कहां के रहने वाले थे। मीर कासिम बंगाल का नवाब था, नवाब शुजाउद्दौला अवध का नवाब था और शाह आलम द्वितीय तो भैया पूरा मुगल शासक का नवाब थे। ठीक है, तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय नवाब शुजाउद्दौला, होता क्या है कि जब मीर कासिम अपना प्लॉट लेके अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास जाता है तो उसी समय एक बगल वाले खटिया पर बैठ के शाह आलम द्वितीय भी बैठा रहता है, तो उससे भी इंट्रो होता है मीर कासिम का। और ये अपना दर्द मीर कासिम सुना रहा होता है शुजाउद्दौला का, तो इसको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है ना। अगर आप कहीं जाएं और कुछ अच्छा सा एक प्रोजेक्ट लेकर जाएं तो बगल वाला जो सुन रहा होगा तो वो भी उसमें दिलचस्पी दिखाता है। तो चूंकि शाह आलम द्वितीय तो पहले से ही दिलचस्पी दिखा रहा था, उसको तो भी मौका का तलाश था, उसको भी चाह रहा था कि हमको भी कुछ ऐसा मौका मिले कि इन अंग्रेज लोगों को सबक सिखाएं। और ये वो समय था जब इलाहाबाद में इन लोग सब लोग मिलते हैं एक बगान में और बगीचे में बैठ के ये पूरा पूरा कहानी गढ़ देते हैं कि बक्सर का युद्ध करेंगे। और बाद में 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों को घेर लेता है बक्सर में। ठीक है, तो यही वह निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों को अगले 200 वर्षों के लिए शासक के रूप में स्थापित कर दिया था। यह युद्ध अंग्रेजों के द्वारा दस्तक एवं फरमान का दुरुपयोग एवं उनकी विस्तारवादी व्यापारिक आकांक्षाओं का परिणाम था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि यह कहानी आपको पता चल गया। क्या पता चल गया? कि चूंकि मीर कासिम को इतना बेइज्जती करता है ना अंग्रेज कि ये जाता है नवाब शुजाउद्दौला के पास, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास, और उसी समय वहां पर शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अवेलेबल होते हैं और ये अपने प्रोजेक्ट सुनाता है कि ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? तो ये तीनों मिलकर के मीर कासिम, अवध के नवाब नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं और अंग्रेजों का से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और बक्सर वो जगह बनता है जहां पर ये युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे होते। तो आपको याद रखना है, एक तो सबसे पहले पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से 23 अक्टूबर 1764, दूसरी बात तो मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और हेक्टर मुनरो का नाम, इतनी बातें आपको याद रखनी है, राइट। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि बक्सर का युद्ध का इंपॉर्टेंस क्या था, आखिर क्या इस युद्ध का महत्व रहा, सो दैट अगर आपको यह क्वेश्चन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पूछे तब आप इसको डिस्कस कर सकें। देखिए, इस युद्ध के द्वारा पलासी के युद्ध से जो प्राप्त लाभ हुआ था उसको पुनः स्थापित कर दिया, अर्थात ये बक्सर का युद्ध सुनिश्चित कर दिया कि अब अंग्रेज कोई भी युद्ध भारत में जीत सकता है। अभी तक ठप्पा नहीं लगा था क्योंकि अंग्रेज को भी मालूम था कि किस तरह से पलासी का युद्ध वो जीता था, लेकिन जब बक्सर का युद्ध अकेले अपने दम पर लड़ता है अंग्रेज, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं होता है, तब उसको मालूम चल जाता है कि अब हम हिंदुस्तान की सेना को हरा सकते हैं। यदि पलासी के युद्ध में विश्वासघात और कूटनीति का सहारा लिया गया तो बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी शक्ति और पराक्रम से जीत दर्ज की। क्या ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने बिल्कुल अपनी शक्ति और पराक्रम से जीत दर्ज की और इसके परिणाम स्वरूप अवध का नवाब एक अधीनस्थ मात्र बनकर रह जाता है और मुगल सम्राट कंपनी का नाम मात्र का पेंशन धारक बन जाता है और दिल्ली और आगरा के दरवाजे अब कंपनी के लिए खुल जाते हैं। अब तक देखिएगा जो बक्सर का युद्ध तक कि जो कंपनी है वो पूरे बंगाल में ट्रेड करते रहता है, लेकिन इस युद्ध के बाद दिल्ली और आगरा के भी दरवाजे
अंग्रेजों के लिए खुल जाते हैं। चलिए अब इसके बाद कुछ संधिया का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज तो अब ऐसे नहीं छोड़ने वाला था ना। नवाब शुजाउद्दौला और आपको जो मुगल सम्राट द्वितीय था तो उसको तो ऐसे नहीं छोड़ेगा। तो इलाहाबाद का प्रथम संधि होता है, तो इलाहाबाद का प्रथम संधि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट रॉबर्ट क्लाइव फिर से आता है 1765 ईस्वी में वापस। और रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच प्रथम संधि होता है इलाहाबाद का, ये याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। चूँकि जो इलाहाबाद का जो संधि है ना, चूँकि वहीं पर सब रहते हैं, अगर बक्सर से फिर जाके शिफ्ट होते हैं इलाहाबाद में और वहीं पर दोनों संधि करना शुरू कर देते हैं। तो 12 अगस्त 1765 इसको प्रथम, और फिर देखिएगा कि 16 अगस्त के आसपास दूसरा भी संधि हो जाता है। तो इलाहाबाद का प्रथम संधि जो है रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 12 अगस्त 1765 को होता है। यह संधि बंगाल के इतिहास के एक युगांतकारी घटना था, क्योंकि कालांतर में इसने उन प्रशासकीय प्रवर्तनों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी जिससे ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला रखी गई थी। नवाब की सत्ता का अंत हो जाता है और ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ जो शासन के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त थी। इस संधि के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अधिकार मिल जाता है, और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ती है। शाह आलम ने इस संधि के द्वारा कंपनी को पूर्वी प्रांत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बादशाह की तरफ से कर एकत्र करने का अधिकार सौंप देते हैं, और उसके बाद कंपनी को अपने साम्राज्यवादी पंख फैलाने में अधिक समय नहीं लगा। वहीं अगर हम इलाहाबाद के प्रथम संधि की शर्तों की बात करें तो वो निम्नलिखित थे। कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाता है। कंपनी ने अवध से कड़ा और इलाहाबाद जिले को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया, और कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया, और यहीं से ब्रिटिश शासन का जड़ भारत में जमना शुरू हो गया। तो ये सारे के सारे थोड़ा सा देख लीजिएगा इसके संधि को और एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। अगर हम इलाहाबाद की द्वितीय संधि को बात करें तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद का द्वितीय संधि शुरू होता है और क्लाइव एवं शुजाउद्दौला के बीच में शुरू होता है। तो एक तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में होता है और दूसरा करता है शुजाउद्दौला से। तो एकदम दोनों को ऐसा मतलब अपने जाल में फंसाता है ना कि दोनों फड़फड़ा के रह जाता है, ठीक है, दोनों से इलाहाबाद की संधि करता है, शाह आलम द्वितीय और जो शुजाउद्दौला था, बोला बहुत चले थे साथ देने के लिए, आओ भैया कुछ तो ले लो हमारे तरफ से, है ना। तो इलाहाबाद और कड़ा को तो पहले ही इससे ले लिया, ठीक है, किससे, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से लेके दे देता है, किसको ले, इसका वाला चीज लेके उसको दे दिया, और अब कहता है कि अवध का शेष क्षेत्र वापस कर दो नजमुद्दौला को, और कंपनी के द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर अंग्रेजी सेना अवध में रखा गया। देखिए अब तक अब क्या करने लगा, नवाब के खर्च पर कंपनी सेना जो है अवध में अब रहेगा उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है, और शुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले ही तरह लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता है, और राजा बलवंत सिंह ने युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी, ठीक है। अब चूंकि राजा बलवंत सिंह जो इलाहाबाद का होता है वो अंग्रेजों का सहायता करता है, इसीलिए बलवंत सिंह को टैक्स कलेक्शन करने के लिए इलाहाबाद में फ्री कर दिया जाता है, ठीक है, बनारस में बनारस के था राजा बलवंत सिंह और उसको टैक्स कलेक्शन करने के लिए दिया जाता है। तो ये सारे के सारे इलाहाबाद के द्वितीय संधि में होता है, जो कि इलाहाबाद का द्वितीय संधि आपको याद रखना है कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में होता है। तो ये तो था पूरा इतिहास का टॉपिक, अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का। जैसा कि आपको मालूम है कि करंट अफेयर्स से लगभग 36 से 40 प्रश्न बिहार में पूछे जाते हैं, अर्थात 67th बीपीएससी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोर देन 30 क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स। सो इट्स बिकम्स द वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अपडेट योर करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ईरान के नए राष्ट्रपति हाल ही में बने थे, उनका नाम है इब्राहिम रायसी। तो इनका नाम याद रखना है, ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी, और ईरान की राजधानी है तेहरान, और ईरान की मुद्रा है ईरानी तोमान। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेवी की।
इसके बारे में एक प्रश्न आपको इकोनॉमिक सेक्शन के अंतर्गत पूछा जाएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुआ था और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान में जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी। तो इतनी बातें आपको करंट अफेयर से याद रखनी हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं लेक्चर 3 में कुछ नए टॉपिक के साथ। टॉपिक आपको उस लेक्चर में बताया जाएगा पूरे सिंक्रोनाइज वे में। तो जो कोई भी लेक्चर 1 को नहीं देखे हैं प्लीज़ जाकर लेक्चर 1 को देख लीजिए और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।